नमस्कार जी दोस्तों मैं हूं हूँ अंशोलाइन स्टडी टू एम आज के वीडियो में आप वर्गमूल और घनमूल समझने वाले हैं एक ही वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से तो बार बार कहता हूं लास्ट तक वीडियो को आप लोग देखें और आप लोग देखते भी और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं तो जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें जब तो आप सब्सक्राइबर्स बनेंगे ना तो सब्सक्राइब कीजिए वर्गमूल और घनमूल पर हम टॉपिक पर आते हैं ज़्यादा ना बात करते हुए ठीक है तो वर्गमूल हमारा इसको निकालना है और घनमूल इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे चलिए उससे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि वर्गमूल और घनमूल में अंतर क्या होता है देखिए वर्गमूल जो होता है ना ऐसे होता है और इसमें मान लीजिए पच्चीस यानी इसका वर्गमूल निकालना होता है जैसे मान लीजिए आप लोगों का इक्यासी इस प्रकार से दिया हो यानी यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो तो ये वर्गमूल हो जाएगा जैसे मान लीजिए यहाँ पे है अगर आप लोगों का यहाँ पे थ्री दे दिया तो ये घनमूल हो जाएगा जैसे मान लीजिए यहाँ पे थ्री दे दिया और इसके अंदर कोई संख्या दे दिया तो इसका घनमूल हो जाएगा ठीक है तो आप लोगों को इसका वर्गमूल और इसका घनमूल निकालना है तो कैसे हल करेंगे भाई चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपको क्या करना है कि ऐसे एक लाइनिंग बनानी है और इसको यहाँ पे लिख देना है तो ये हमारा हो गया चौंसठ सौ तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम एल्शियम और एल्सियम यानी लॉस और मौसम यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर हम वर्गमूल और घनमूल लगा रहे हैं तो कैसे हल होगा तो ठीक ये लॉस और मौसम की तरह पहले इसको हल करना है और बाद में इसका रूल चेंज हो जाएगा कैसे होगा देखिए ये दो से कट जाएगा पूरी तरह कट जाएगा तो दूध तेई छः और दो दो नार दो जीरो यहाँ पर उतर जाएगा यानी इसके आधा फिर देखिए दो से ये कट जाएगा पूरी तरह से पूरी तरह से कटना चाहिए ठीक है फिर दो ही कम में, में दो एक हाथ से इसमें दो छक्के बारह हो जाएगा ये दोनों जीरो यहाँ पे उतर आएगा फिर देखिए दो से ये कट जाएगा दो अट्ठे सोलह हो जाएगा यानी दो अट्ठे सोलह और दो जीरो यहाँ पे उतर जाएगा फिर दो से इसको काटिए दो चौके आठ तो दो जीरो उतर गया फिर दो से काटिए इसको देखिए दो से कटता जा रहा है और नीचे उतरता जा रहा है तो कैसे होगा यही दो दो दूना के चार और दो जीरो यहाँ पे उतार लेंगे फिर देखिए इसको दो से काटिए दो कम में दो और दो जीरो उतर जाएगा फिर दो से कट जाएगा दो पच्चे दस और एक जीरो यहाँ पे उतर जाएगा क्यों होगा क्योंकि दो पच्चे दस होता है ठीक है और ये वाला जीरो यहाँ पे उतर गया फिर देखिए दो से कट जाएगा ये दो पच्चीस से पचास ठीक है फिर ये किससे कटेगा ये आप लोगों का कटेगा पाँच से पाँच या पच्चीस फिर पाँच से इसको काटिए एक ठीक है कट गया अब आप लोगों का फैक्टर क्या निकल करके कर आ रहा है इसका वो चीज़ देख लीजिए यहाँ पे तो फैक्टर जो हमारा है वो चीज़ पहले निकालेंगे फिर हम हल कर पाएंगे तो हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ यानी आठ बार दो आया है दो गूढ़े दो गूढ़े दो गूढ़े दो, दो दो गुडे, दो गुडे, दो गुडे, दो यहाँ पर भी गुड़ा रहेगा ठीक है कितना हो गया दो दो चार दो छः दो आठ आठ बार दो हो गया और पाँच एक दो यानी गूढ़े पाँच गूढ़े पाँच यानी हो गया पूरा दस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस हो गया अब देखिए इनको जोड़ा लगाइए आपस में दो का दो से फिर इसका इसका और ये पाँच पाँच का जोड़ा लग गया अलग से अब इन सब में से एक एक निकाल लीजिए इसमें से एक दो इसमें से एक दो यानी दो गूढ़े दो हो गया इसमें से एक निकालिए दो इसमें से भी एक दो फिर इसमें से पाँच निकाल लीजिए और इनको आपस में गुड़ा कीजिए दो दुना के चार चार दुना के आठ आठ दुना के सोलह और सोलह पच्चीस अस्सी यानी आंसर क्या निकल करके आ गया आप लोगों का अस्सी बहुत ही आसान तरीके से समझ में ना आया और दोबारा वीडियो को देख लीजिए समझ में आ जाएगा चलिए अब घनमूल देख लेते हैं थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है उसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए जब भी तो समझ में आएगा ना आप लोगों को इसको भी वैसे ही हल करना है तो यहाँ पर हम निकालेंगे एक है यहाँ पे देखिए काटिए पूरी तरह से दो से कटे दो पच्चे दस दो जीरो उतर जाएगा थोड़ा इसमें घनमूल में, में अलग प्रकार से होता है लेकिन आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना है थोड़ा सा टाइम बर्बाद कीजिए समझ में आ जाएगा देखिए दो दू दूना के चार एक हासिल गया यहाँ पे दस हो जाएगा दो पच्चे दस ये वाला जीरो उतर जाएगा दो एक कम में दो दू, दो दू ना के चार एक हासिल उधर दो पच्चे दस अब देखिए ये किससे कटेगा तीन से कटेगा नहीं चार से कटेगा नहीं पाँच से कटेगा काटिए इसको पान बुना के दस और ये घासी लेकर तो पच्चीस हो जाएगा तो पच पच्चीस फिर पाँच से इसको काटिए पाँच हो जाएगा फिर पाँच से इसको काटिए एक हो जाएगा काम खत्म दो का पहाड़ा तीन बार आया है पाँच का पहाड़ा तीन बार आया है अब देखिए घनमूल बोला है ना तो घनमूल में आप लोगों को क्या करना होता है तीन तीन जोड़ा लगाना होता है और वर्गुल में आप लोगों को दो दो जोड़ा लगाना होता है यही अंतर है तो इसमें से दो निकाल लीजिए और इसमें से पाँच निकाल लीजिए काम खत्म दो पच्चे दस आंसर क्या आया आप लोगों का दस क्यों आया जब अस्सी का अस्सी गुड़े अस्सी आप करेंगे तो आप लोगों का निकल करके आ जाएगा चौंसठ सौ और दस गुड़े दस गुड़े दस इज टू क्या निकल करके आएगा आप लोगों का ये वाला आंसर यानी एक हज़ार यही तरीका होता है वर्गमूल और घनमूल का तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले होंगे और अपना नाम जरूर कमेंट करें जिससे अगली वीडियो में आप लोगों का नाम लूंगा धन्यवाद